जिसे आम आदमी की समस्याओं से तकलीफों से कोई सरोकार ना हो, उस राजनीति को आप बदलना चाहते हैं। ऐसी राजनीति आप पुनाणा के अंदर खड़ी करना चाहते हैं जहां पर आम आदमी का, गरीब का, मजदूर का, किसान का, दलित का, आदिवासी का, मुसलमान का, सबका विकास हो, उसके लिए रोजगार हो, उसके लिए पानी हो, नहरी पानी हो, पीने का पानी हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छे स्कूल हो, अस्पताल अच्छी हो, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं पुराने के अंदर अस्पताल बदाली के यहाँ शुरू हो रहा है और उसकी बिल्डिंग भी पुरानी हो गई है, वहां डॉक्टर्स की कमी है, वहां डॉक्टर्स नहीं है, वो सिर्फ एक जच्चा बच्चा केंद्र बनकर रह गया है। जबकि ये अस्पताल जो पुराना के अंदर है, ये कैंसर से लेकर छोटी छोटी बुखार तक की बीमारी, हर बीमारी के इलाज के लिए इस अस्पताल को बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद इसको बदहाली के यहाँ शुरू होने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने पिछले 15 साल से जो हल्का बना उसकी सुध नहीं ली। जागरूक होने का वक्त है, आपको समझना होगा कि किस तरह हम एक नई राजनीति पैदा कर विकास का जो काम है वो सुनिश्चित करें। आज आपने देखा कि पिछले 70 साल से मेवात के अंदर लोग किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। आज आपने देखा कि पिछले साल जो एक दुखद घटना हुई, मेवात दंगे हुए जो नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ का भाईचारा सदियों से चला आ रहा है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा पूरे दुनिया में एक मिसाल है जो एक मेवात के अंदर है, लेकिन बाहर से कुछ लोगों ने यहाँ पर उकसाकर एक दंगा करवा दिया। उसके बाद प्रशासन ने, पुलिस ने भेदभावपूर्ण रूप से सैकड़ों FIR की, हमारे नौजवान बच्चों को जेलों में डाला, उनके साथ यातनाएं की, उनको परेशान किया, और उसके बाद तो हद हो गई जब उन्होंने हमारे मकानों तक को तोड़ा और सैकड़ों मकानों को तोड़ा गया। उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने उस पर सुमोटो एक्शन लेते हुए सारे मकान को तोड़ने पर स्टे लगाई, उसमें हमने और हमारे साथी वकीलों ने भूमिका निभाई, उसमें वकील के तौर पर पेश हुए ताकि आपके मकान ना टूटे, ताकि गरीब आदमी का नुकसान ना हो। उसके बाद CNRC का आपने आंदोलन देखा, CNRC का एक कानून लेकर आई कि विदेशों से जो हम जो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, उनको लेकर आएंगे, लेकिन मुसलमान को नागरिकता नहीं देंगे, और यहाँ जो सदियों से, जो सालों से मुसलमान रह रहे हैं, उनको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। उसको देखते हुए यहाँ पे CNRC का बड़कली पर आंदोलन चलाया गया और प्रशासन ने फिर एक बार 144 धारा 144 पूरे मेवात में कर्फ्यू लगा दिया। उसको हमने हाईकोर्ट से नोटिस देकर उसको यहाँ पे खुलवाने का काम किया। उसके पहले आपने जुनेद और नासिर और आपने पहलू खान, रकबर, इन लोगों को मॉब लिंचिंग कर गाय के नाम पर मारा गया। ऐसे सैकड़ों नौजवानों को हिंदुस्तान में मारा गया। इसलिए 2 जुलाई 2017 को जंतर मंतर पर मेवात के लोगों ने और मेरे नाम पर वो एप्लीकेशन दी, हमने पार्लियामेंट्री थाना से परमिशन लेकर वहां पर जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन खड़ा किया ताकि जो बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है वो बंद हो जाए। अभी आपने देखा जो भी किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन पूरे देश में 3 काले कानून भाजपा सरकार लेकर आई, किसानों से उनकी जमीनें छीनने का षड्यंत्र, किसानों को उनकी जमीनों पर मजदूर बनाने का षड्यंत्र, उसके लिए मेवात के लोगों ने और हम सब ने मिलकर सुनेड़ा बॉर्डर पर एक आंदोलन चलाया, और वो आंदोलन तब तक चला जब तक इसका सरकार ने वो सारे 3 काले कानून वापस नहीं लिए। उसके लिए हमने किसानों की फ्री में पेरू की केसों को लड़ा और यहाँ पर बड़ी पंचायत करने का काम भी किया। अभी की जो बात है, यहाँ पर आपको खाद बीज की बहुत परेशानी हो रही थी, LDM पुराना से मिलकर यहाँ के किसानों को खाद बीज दिलाने का काम भी किया। और अभी आप मई और जून के महीने में आपने देखा कितनी शदीद गर्मी पड़ रही थी, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे, क्योंकि तो बिजली की भी समस्या थी और पीने के पानी की भी समस्या। सुकरे की जटान में बहुत अच्छा पानी है क्योंकि यहाँ हमने समर्सिबल लगा लिए, लेकिन आप देखेंगे नेवाणा, इंदाणा, मढ़ी और झारोकड़ी, आपका बिछोर, नई पुनाणा का तेड़, ये जितने भी जो चोखा, पापड़ा, पापड़ी, गंगवाणी और लुहिंगा, इन सब जमालगढ़ सब गांवों में पानी कमी आई, तो हमने DC और प्रशासन से मिलकर, LDM से मिलकर पूरे पुनाना में फ्री टैंकर पहुंचाने का काम किया, जो पानी के टैंकर वहां गरीब आदमी को फ्री पहुंचे और चैम्बड़ों में पानी डाला गया। ये पूरे हल्के को इस बात का पता है और लोग इसके लिए धन्यवादी हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ विधायक बनकर आपकी सेवा करना नहीं, हमारा मकसद यह नहीं कि आप हमें चुनेंगे, आप हमें बढ़ाएंगे, तभी हम आपका विकास करेंगे, आपके काम करेंगे। जो भी हमें ताकत मिली है, चाहे हाईकोर्ट से मिली हो, चाहे आपने हमें मिलकर ताकत दी हो, आप हमारे भाई हो, आप हमारे बुजुर्ग हो, तो हमारी ये सोच है, हमारी ये मनसा है कि किसी भी तरीके से जहां पे भी जितना भी हमसे हो पाए, आम आदमी का, गरीब का, मजदूर का, किसान का, मुसलमान का, दलित का, आदिवासी का, सबका काम हो, इसके लिए विधायक बनना जरूरी नहीं। मैंने आपको सिर्फ ये चंद बातें इसलिए गिनवाई कि हमने ये काम विधायक ना होते हुए करे
और ये पूरी बात पूरे मेवात में पटल पर सबको पता है। इसलिए हमारा ये प्लान है, कांग्रेस पार्टी अभी चुनाव आ रहा है 2024 का, कांग्रेस पार्टी ने सबसे आवेदन मांगे हैं कि जो जो इच्छुक हैं कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगने पर, कांग्रेस पार्टी लगभग 10 से 12 लोगों ने यहाँ पुराना से टिकट अप्लाई किया है, तो कांग्रेस पार्टी सबको देखकर जो मेहनत करेगा, जो पार्टी में जुड़ा हुआ है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा, वहां से मैंने 12वीं करी, वहां से मैंने वकालत करी और वहां पर मैं हरियाणा बल्कि पहला हरियाणा का एक विद्यार्थी होऊंगा। मुझे वहां पर सीनियर हाउस बनाया गया जो स्टूडेंट लीडर होता है, मुझे वहां पर पूरे यूनिवर्सिटी का गेम स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बनाया गया, मुझे वहां पर स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद मैं सीधा 2016 से हाई कोर्ट में वकालत करता हूं और 2018 को आप सबको पता है कि पहली बार 70 साल में कोई मुसलमान वकील, क्योंकि तो वहां 50 वकील होंगे खूब से खूब पंजाब हरियाणा को मिलाकर, कोई पहली बार वहां 5,000 से 8,000 वकील है, पहली बार कोई मुसलमान वकील वहां पर 2018 में चुन के आया। मुझे 5,000 में से 11 से वोट मिली और मैं वहां पर चुन के आया। ये सब आपकी मेहनत और आप सबकी दुआओं में नतीजा था। इसलिए आगे भी हमें ऐसी उम्मीद है कि अगर हमें मौका मिलेगा, पार्टी हमें मौका देगी, तो इंशाल्लाह हम ये चुनाव जीतने का काम करेंगे, क्योंकि लोगों को हमारा बच्चा बच्चे को हमारा नाम पता है, सबको पता है कि जब भी कोई जरूरत पड़ती है, कौम पर जब भी कोई आफत मुसीबत आती है तो ये बंदा आगे खड़ा मिलता है और ये सब आपकी ताकत की वजह से हुआ है। आप मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप सब नौजवान हैं, आप अगर मुझे ताकत देंगे तो हम सब मिलकर पुराना को अच्छा पुराना बनाएंगे, कौम की सुध लेंगे। हमने ये जो काम किए हैं सिर्फ आपको बताने के लिए किए हैं, लेकिन ये हमने कोई एहसान नहीं किया, हम इस कौम से आते हैं, इस कौम में पैदा हुए, अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए मंजूर किया हो। तो इसलिए ये जो काम है, जो एक हल्का का काम है, बहुत बड़ा काम है, ये आपके सहयोग, आपकी मदद, आपके बगैर नहीं पूरा होगा। इसलिए मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि अभी आगे हम पुनाना में या सिकरा हुआ जहाँ पे भी टाइम देकर 10 से 12 दिन के अंदर एक बड़ी रैली करेंगे इंशाल्लाह। और ये टिकट की जो दिल्ली की दौड़ लगेगी, हल्का में भी माना जाना आना प्रोग्राम शुरू होंगे, तो इन सबको मुझे आप सबकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके सहयोग आपकी मदद के बगैर ये पूरा नहीं होगा। जब भी आपको मैं कहूँ भाई मेरी मदद करो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरे साथ चलो, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि आप भी पुराने के अंदर बदलाव चाहते हैं। आप सब यहाँ आए, आप सबका एक बार फिर से दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत और आप सबका तालियों से बहुत जोर जोर स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।